इतना ग्रेट आदमी आपकी कुछ मुद्दतों की तवज्जो डिजर्व करता है। लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो ने अपनी पैदाइश के हालात पे तो कोई तबसरा नहीं छोड़ा। ही वॉज बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, लेकिन उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट में मोहब्बत के बच्चे पर कुदरत की इनायत से मुतल्लिक एक दिलकश इशारा है। कहते हैं, वो आदमी जो जिंसी मिलाप जबरदस्ती और बेचैनी से करेगा, उसके बच्चे चिड़चिड़े और नाकाबले भरोसा होंगे। उन्होंने लिखा, लेकिन अगर जिंसी मिलाप दोनों तरफ से बहुत मोहब्बत और ख्वाहिश के साथ किया जाए तो बच्चा बहुत अकलमंद, जहानत वाला, जिंदा दिल और प्यारा होगा। मालूम होता है कि अपने आप को दूसरे जुमरे का समझते हैं। लियोनार्डो क्योंकि कभी स्कूल नहीं गया था तो उसकी ट्रेनिंग में ही नहीं था कि पुराने दकियानूसी ख्यालात को बस मान लेना, और किसी को इल्म का ठेकेदार नहीं तस्लीम करता था। तो उसने पिछले आदाब को चैलेंज कर करके एक एम्पिरिकल तजर्बाती अप्रोच कुदरत को समझने की तख्लीक की, जो कि बिल आखिर साइंटिफिक मेथड में डेवलप हुई उनके मरने के कई सदियों बाद। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से स्कूलों के बाहर भी इल्म दस्तयाब होने लगा, जिसका लियोनार्डो ने बहुत फायदा उठाया। एक्सपेरिमेंट करता था, क्यूरियस था और फोकस था कि किसी फिनोमेना पर सोचता रहता था, जिस तरह की चीज पर एक आम आदमी थोड़ी देर बाद सोचना छोड़ देता है, जैसे कि आसमान नीला क्यों है। उसने अपने आप को पुख्त दुरुस्ती की इंतहा तक शक्लों और सायों को देखने में डुबाया और हरकत को समझने में माहिर हो गया, उड़ते हुए परिंदे की हरकतें हों या चेहरे पर गुजरते हुए जज्बात की। पेंटिंग में एक टेक्निक स्फुमाटो नाम की नित तख्लीक की, जिसमें एजेस और कॉन्टोर्स को ब्लर करने से पेंटिंग हकीकत के और करीब लगने लगती है। उस जमाने के नौजवान पेंटर्स के लिए मैक्सिम्स में लियोनार्डो लिखता है, आपके साए और रोशनियों को धुंधला होना चाहिए, लाइनों के हदूद के बगैर, जैसे धुआं हवा को धुंधला कर देता है। मसीह की बैप्टिज्म में उसके फरिश्ते की आंखों से लेकर मोना लिसा की मुस्कुराहट तक धुंधली और धुएं में छुपी लाइनों ने हमारे ख्यालात के लिए जगह बनाई। धुंधली लाइनों से ये राजदार निगाहें और मुस्कुराहटें हिलने लगती हैं। जैसे मोनालिसा से तो शायद आप पहले से ही वाकिफ हैं, तो आज हम उनके एक नामुकम्मल काम पे गौर करते हैं, एडोरेशन ऑफ द मेजाय। ये सीन रेनेसांस की फ्लोरेंस में काफी मशहूर था। वो लम्हा जब तीन जहीन मर्द या बादशाह, जो कि हिदायती सितारे के पीछे बेथलम आते हैं, हाल ही में पैदा हुए हजरत ईसा को तोहफे देते हैं। तब हर जनवरी इस सीन के शोज होते थे और वो शोज तो मुकम्मल होते थे, मगर शायद इस पेंटिंग की तकदीर में मुकम्मल होना ना था। मगर उसके बावजूद ये आर्ट की तारीख में सबसे असर रखने वाली पेंटिंग्स में से एक है। पेंटिंग्स की तैयारी की ड्राइंग्स में उसने जिस्म के मुड़ने, उसके इशारे और अदाओं का जायजा लगाया कि वो उस वक्त के जज्बात की लहर अपनी पेंटिंग में जाहिर कर सके। काफी लोग इन ड्राइंग्स में नंगे बनाए गए। लियोनार्डो समझ चुका था कि एक आर्टिस्ट को इंसानी जिस्म को अंदर से बाहर की तरफ पेंट करना होगा, उसको हकीकत के करीब लाने के लिए, कि पहले उसका स्केलेटन, फिर उसकी स्किन और फिर उस पर कपड़े पहनाए जाएंगे। पर्सपेक्टिव लाइंस भी आप देख सकते हैं इन ड्राइंग्स में, जो कि इनने ब्रूनेलेस्की और एल्बर्टी से सीखी। सीन एक वैनिशिंग पॉइंट पर रिसीड कर रहा है और रूलर से बनी ये लाइनें इसकी प्रिसिजन दिखा रही हैं। कॉम्पोजिशन के सेंटर में लियोनार्डो ने पाक बीबी मरियम को अपनी गोद में हजरत ईसा को लिए दिखाया है, जिनसे घूमती है इस मुद्दत की कहानी। हजरत ईसा एक बादशाह से तोहफा ले रहे हैं, जबकि दूसरे बादशाह तोहफा दे चुके हैं और इज्जत और एहतराम में सर झुकाए हैं। कोई तोहफा दे रहा है, कोई खोल रहा है, कोई जमीन की तरफ झुका हुआ है, कोई हैरत में माथे पर हाथ रखे बैठा है, कोई ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, पत्थर पर टेक लगाए कुछ जवान मुसाफिर गुफ्तगु में है, और उनके बिल्कुल सामने हैरतमंद देखने वाला आसमान की तरफ अपने हाथ लिए खड़ा है। हमें एक लम्हे में ढेर सारे रिएक्शंस देख रहे हैं, एहतराम, हैरानगी और तजस्सुस। इस लोगों के गर्दाब में सिर्फ पाक बीबी मरियम सुकून में नजर आ रही है। अपनी किताब में लियोनार्डो लिखता है कि एक ही हरकत दोहरानी नहीं चाहिए, चाहे वो हाथों की या उंगलियों की ही क्यों ना हो, और सेम पोज भी रिपीट नहीं होना चाहिए एक ही पेंटिंग में। यही सोच है जिसके नतीजे में ये बनता है ड्रामा और निकलते हैं जज्बात। उसने एपिफनी के लम्हे को एक चक्कर में ढाल दिया
जिसमें हर किरदार दूसरे किरदार के जज्बात पे ठहर रहा है, और साथ में हम भी। चौदह सौ नब्बे में लियोनार्डो मिलान में है और अपनी नोटबुक में एक लिस्ट बनाते हैं उन चीज़ों की जो कि वो जानना चाहते हैं। द मेजरमेंट ऑफ मिलान एंड इट्स सबर्ब्स, अरिथमेटिक के उस्ताद से सीखो कि ट्रायंगल को स्क्वायर कैसे किया जाता है, जियानिनियो से पूछो कि फरेरा के टावल की दीवारें कैसे बनी, हाइड्रोलिक्स के मास्टर से लॉक रिपेयर करना सीखो, और सूरज की क्या मेजरमेंट होगी। साल दर साल लियोनार्डो लिस्टें बनाता था उन चीज़ों की जो कि वो सीखना और करना चाहता है। कुछ ऐसे मुशाहदे करता था जो कि हम में से कम ही नोट करें। हंस के पैर को तो देखो, अगर ये हमेशा खुला होता या बंद रहता तो ये कभी भी ना आगे चल पाता। या ऐसा क्यों है कि मछली पानी में परिंदे से ज्यादा स्विफ्ट है, उल्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी हवा से भारी है। कुछ अजीब सी भी चीजें उन्होंने लिखी हैं। हर हफ्ते हमाम जाना, वहां नंगे मर्द दिखेंगे। शायद एनाटॉमी को समझना चाह रहा था, शायद लौंडे पसंद करता है। आखिर ये भी लिखा है, सुअर के फेफड़ों को इन्फ्लेट करके देखो, अगर उसकी लेंथ भी इंक्रीज होती है या सिर्फ विड्थ थी। 7200 सफ़ों की मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिकली अवेलेबल है अगर आप झांक के देखना चाहते हैं। और वाल्टर आइज़ैक्सन की लियोनार्डो डा विंची पे बायोग्राफी भी ज़बरदस्त है। जानते तो सब उसको एक पेंटर के तौर पे थे, लेकिन एक दिन लियोनार्डो ने एक खत में मिलान के रूलर को कहा कि वो लाइट और मजबूत ब्रिजेस भी बना सकता है, कि जंगी हालात में वो उनके सिपाहियों के काम आएंगे ना। सीज के दौरान ट्रेंचेज में से पानी निकालने की भी उनके पास सलाहियत है, फोर्ट्रेसेस को तबाह करने के भी चक्कर जानते हैं, चाहे वो पत्थर के क्यों ना बने हों। कैनन्स, शिप्स, बंदूकें, अंडरग्राउंड टनल्स, आर्मर्ड चैरियट्स, आर्टिलरी, कैटापोल्ट्स, सब बनाने की सलाहियत उन्होंने जाहिर की। वो जानना चाहता था कि कौन सी नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड हैं और कौन सी स्पाइनल कॉर्ड से, और उनसे कौन से मसल्स एक्टिवेट होते हैं जो कि चेहरे पे जज्बात को जाहिर करते हैं। वो ब्रेन को डायसेक्ट करने की भी कोशिश कर चुका था, और ये सब जानना शायद उसके लिए ज़रूरी था, मोनालिसा के चेहरे पे ये हल्की सी नाजुक सी मुसर्रत लाने के लिए। इसी बात पे निकलता हूँ। मूव आउट।